और लॉज में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं नेचुरली जो लेबर पॉलिसी पाकिस्तान है इसका ताल्लुक़ जो है वो लेबर राइट्स से भी बनता है तो राइट्स कहाँ पर होते हैं उनको कैसे अरेंज किया जाता है ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है देयर फोर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज जो है उसका इलम आपके पास होना चाहिए बाकी स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन क्या होती है इस जमन में विकीपीडिया ये कहता है कि कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड री स्टेटिंग द लॉ ऑफ अ सर्टेन जूरिस्टिक्शन इन सर्टन एरियाज यूजली बाय सब्जेक्ट और इसके अलावा कोडिफिकेशन के मुतलक विकीपीडिया कहता है फॉर्मिंग अ लीगल कोड दैट इज कॉडेक्स या बुक ऑफ लॉ तो कोडिफिकेशन इज बेसिकली एक लीगल कोड को बनाना है और इसको कोडक्स भी बोला जाता है और बुक ऑफ लॉ भी बोला जाता है बाइड स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन क्यों है कैसे है कहां पर है सिविल लॉ कंट्री में है या कॉमन लॉ कंट्री में है आइए इसके बारे में भी हल्का हल्का सा इलम जो है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट कोडिफिकेशन इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ सिविल लॉ जोरिस्डिक ऐसे ममालिक सिविल लॉ जोरिस्डिक हैं वहाँ पर कोडिफिकेशन होती है जैसे पाकिस्तान जो है ये सिविल लॉ कंट्री है और यहाँ पर जो कोडिफिकेशन है वो इस सिस्टम का लाजमो बल्जूम हिस्सा है कॉमन लॉ कंट्रीज में कोडिफिकेशन नहीं होती जैसे इंग्लैंड है वहां पर कामन लॉ है कॉमन लॉ इज बेसिकली जज बेड लॉ और यहां पर जो स्टैचूटरी लॉ पाकिस्तान में बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है तो नेचुरली माई डियर स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन का तल्लुक जो बनता है वो सिविल लॉ कंट्री से बनता है किसी भी चीज को अगर समझना है और बेहतर तरीके से समझना है तो डेफिनेशन को कंसल्ट किया जाता है तो डेफिनेशन जो है ये कोडिफिकेशन की आपके लिए पढ़ना जरूरी है तो इस ज़िमन में अगर आपने कोई डिक्शनरी ढूंढनी है जहाँ पर कोडिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है तो वो ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी है गार्नर्स ब्लैक लॉक डिक्शनरी को कंसल्ट करें और यहाँ पर भी आपके सामने जो डेफिनेशन ऑफ कोडिफिकेशन है वो ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी के एडिशन आठ से ली गई है तो डेफिनीशन कोडिफिकेशन की ये कहती है द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग जब कंपाइल किया जाता है तो नेचुरली कुछ सोर्सेस में जो इलम है उसको इकट्ठा किया जाता है अरेंजिंग होता है कि कहां पर किस जगह पर किस प्लेसमेंट पर कोई चीज आनी है एंड सिस्टमेटाइजिंग सिस्टम ये होता है कि एक चीज दूसरी चीज को टो करती हुई ले जाए और सर्टन ऑब्जेक्टिव अचीव हों यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या कहती है द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग अरेंजिंग एंड सिस्टमेटाइजिंग द लॉ ऑफ अ गिवन ज्यूरिस्डिक्शन माइडियर स्टूडेंट्स प्रोसेस का लफ्ज जो है इसके मानी है मैथड कंपाइल का मतलब है ब्रिंग टूगेदर अरेंज का मतलब है डिस्प्ले का मतलब है क्लासीफाई जोरिस्डिक्शन का मीनिंग जो है वो आपको जानना बड़ा जरूरी है जूरिस्डिक्शन से बराद है फील्ड एरिया कमांड अथॉरिटी तो माइडियर स्टूडेंट जब हम ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मानी को समझेंगे So in other words, codification kya hui. Codification is the method of bringing together, presenting and classifying the laws of a given authority. Now, move on to discuss what is meant by the term code. William M. William M., a philosopher, states that a code ज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैचुटरी मटीरियल स्टैचुटरी मटीरियल क्या होता है पार्लियामेंट जब लेजिस्लेशन करती है तो लॉ बनता है तो वो स्टैचू कहलाता है और उसके अंदर जो कॉन्टेंट है सारा वो स्टैचुटरी मटीरियल है तो बाइडियर स्टूडेंट्स विलियम एम ये कहता है कोड इज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैचुटरी मटीरियल बट ऑल्सो मच ऑफ द अनिटन लॉ

लॉ को और उस लॉ को प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में लाना होता है तो थोड़ा सा हिस्ट्री के मुताल जाते हैं कि कहां पर पहला कोडिफाइड लॉ जो है वजूद में आया तो माय डियर स्टूडेंट्स जो पहला कोडिफाइड है वो आपको इंपीरियल चाइना में मिलता है और कैसे मिलता है दैट इज विद कंपाइलेशन ऑफ द टैंग कोड इन 624 एडी हमें मिलता है दिस कोड फॉर्म द बेसिस ऑफ द चाइनीज क्रिमिनल कोड माई डियर स्टूडेंट्स विच वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाई द ग्रेट चिंग लीगल कोड विच वॉज इन टर्न अबॉलिश इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंट नाइनटीन ट्वेल्व फॉलोइंग दिनहाय रेवोल्यूशन एंड द इस्टेबलिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना माई डियर स्टूडेंट्स माइर स्टूडेंट्स द न्यू लॉज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना वर इंस्पायर्ड बाई द जर्मन कोडिफाइड वर्क द बर्गलीस गुस्टाबोश जो जर्मन का कोडिफाइड लॉ है उसको कहते हैं बर्गलीस गुस्टाबोश वहां से इंस्पिरेशन ली है इंपीरियल चाइना ने रिपब्लिक चाइना ने अ वेरी इंफ्लुएंशियल एग्जाम्पल इन यूरोप the very influential example of code in europe is my dear students french napoleon code of 1804 hope you have understood the topic thank you very much indeed